तो बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान सामने आया, जहां शिक्षक नियमावली में संशोधन पर इन्होंने सफाई दी है। रिक्तियां ज्यादा होने के कारण यह फैसला लेना पड़ा। शिक्षा मंत्री का बयान, पहले अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी नहीं मिलते थे, सीट खाली रहने के कारण इस तरह का निर्णय लिया गया। तो बड़ा बयान दिया इन्होंने शिक्षक नियमावली को लेकर के, टैलेंटेड अभ्यर्थी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो बड़ा बयान शिक्षा मंत्री की तरफ से राजधानी पटना से। इस वक्त शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियमावली में संशोधन को लेकर के सफाई दी है। रिक्तियां ज्यादा रहने के कारण यह फैसला लिया गया, उन्होंने कहा। और आगे कहा कि पहले अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी नहीं मिलते थे, इसी वजह से सीट खाली रहने के कारण इस तरह का निर्णय लिया गया है। टैलेंटेड अभ्यर्थी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की राजधानी पटना से। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षक नियमावली में संशोधन पर उन्होंने सफाई दिया है, रिक्तियां ज्यादा रहने के कारण यह फैसला लिया गया है। पहले अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में अभ्यर्थी नहीं मिलते थे, लेकिन अब इस बहाली से और इस संशोधन से बड़े पैमाने पर टीचर्स इस वैकेंसी में आ सकते हैं। सीट खाली रहने के कारण इस तरह का निर्णय लेना पड़ा है। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से। विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या गया, क्योंकि साइंस ब्लॉक में रिक्तियाँ रह जाती थी। आप देखें ना, या अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे, और ख़ास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया।